आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी मनपसंद इमेज को कैसे एमएस वर्ड में बुलेट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न टू सॉफ्टवेयर में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे ही हम पैराग्राफ यहाँ बुलेट्स में आते हैं, यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए हम सिंपल इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ बुलेट फॉर्म में ये हो गया। हम जैसे कुछ वर्ड ले लेते हैं, एंटर करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली बुलेट फॉर्म में शो करेगा। तो आप कैसे अपने किसी भी इमेज को बुलेट फॉर्म में यूज़ कर पाएंगे, आप सिंपली इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको आ जाना है बुलेट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा डिफाइन न्यू बुलेट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है पिक्चर, यानी कि बुलेट कैरेक्टर के अंदर आपको पिक्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। चलिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो वन ड्राइव के जरिए भी आप अपने इमेज को ले सकते हैं। मैं कंप्यूटर से ले लेता हूं अपने, और देखिए यहां से मैं मान लीजिए कि इस इमेज को सेलेक्ट करता हूं और इंसर्ट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे देखिए बुलेट्स में ये यहां पे आइकॉन शो कर रहा है। अब यहां पे आप इसको लेफ्ट साइड में लेना चाहते हैं या राइट साइड में आप या सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप ये भी ऑप्शन चुन सकते हैं। मैं सिंपली लेफ़्ट में ही लेता हूं और ओके पर क्लिक कर देता हूं। ओके पर क्लिक करूंगा, वापस जाऊंगा बुलेट वाले सेक्शन में। तो देखिए यहां पे ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर ले रहा है कि मैंने इस इमेज को लिया। देख सकते हैं यहां पे आ गया ये इमेज। तो मैं यहां से सिंपली क्लिक कर लेता हूं और जैसे ही मैं मान लीजिए कोई भी वर्ड एंटर करता हूं तो देखिए यह ऑटोमेटिकली बुलेट फॉर्म में लेने लग गया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ, तो आप हमारे इस चैनल लर्न टू सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो वह वीडियो आप तक पहुँचेगा सबसे पहले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।